हेलो दोस्तों, मैं हरकेश आपके अपने चैनल द टाइम्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, कौन सा मास्टर रीजनिंग की श्रृंखला में जो अगला जो श्रृंखला परीक्षण चल रहा है उसमें जो पार्ट है हमारा, इसके चार भाग पहले हम कर चुके हैं, आज ये पाँचवा पार्ट है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा LU। अब देखो ये अगला टाइप है, कौन सा सतत श्रृंखला के लुप्त पद, एक कंटिन्यू सीरीज चल रही है, इसमें हमें एक लुप्त पद दिखाई दे रहा है, इनको बताना है इनकी जगह क्या आएगा। और देखो इसमें से एक क्वेश्चन 100% हर एग्ज़ाम में आता ही आता है रीजनिंग में, तो इसलिए देखते हैं ढंग से। पहला क्वेश्चन है हमारा LU TU PL। देखो इस प्रकार से एक श्रृंखला चल रही है और उसमें एक लुप्त पद है ये, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में से क्या आएगा। तो देखो हम इसको करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखो अब सबसे पहले देखते हैं LU यहाँ दिखाई दे रहा है, LU। ठीक है, अब देखो LU के बाद यहाँ देखते हैं, LU के बाद BT दिखाई दे रहा है। तो देखो सबसे पहले अगर देखें तो यू के बाद और टी से पहले क्या क्या है, यू के बाद और टी से पहले हमें दिखाई दे रहा है यू के बाद टी से पहले बी, तो हम यहाँ भर देंगे बी। ठीक है, अब हमारा ये हो गया LU BT। ठीक है, LU BT। अब LU BT दिखाई दे रहा है, फिर UP, LU BT और UP। तो देखो यहाँ तक हमारा एक पद दिन LU BT। अब देखो LU BT यहाँ तक हो गया। अब देखो L से पहले क्या है, L से पहले अगर यहाँ हम भरा जाए तो L से पहले क्या P, L से पहले P और U के बाद एक तो B है, एक U के बाद P है, तो यहाँ से देख लेते हैं L से पहले क्या है, तो L से पहले P, तो अब क्या आ जाएगी P। तो अब देखो हमारी ये सीरीज बन रही है LU BT UP। तो हमारा सीरीज में क्या बना, BPUL। तो BPUL तो BPUL इस सीरीज में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है BA। हम देखो सीरीज BA BAC BAC B। अब इसमें ऐसे ही देखते हैं हम अगर करें तो क्या, B के बाद A BAB BAB BAC BAB BAB। अब इस सीरीज में देखें, अब देखो इस सीरीज में देखें BAC। अब देखो यहाँ भर रहे हैं, अगर हम देखो बी से पहले क्या है और ए के बाद, बी से पहले क्या है, देखो बी से पहले सी और ए के बाद सी, बी से पहले सी और ए के बाद सी, तो यही तो है बी से पहले सी और ए के बाद सी, तो बी से पहले सी और देखो ए के बाद सी। अब देखो यहाँ से बन रही है BAC 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 BAC। तो देखो हमारा आया सी, क्या आया सी सी बी ए। तो सी सी बी ए। तो हमारा ऑप्शन क्या आया CBCCBA। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगला हमारा खालिस्तान डबल ए खालिस्तान डबल बी खालिस्तान डबल ए ए बी खालिस्तान डबल ए बी
अब देखो इसमें देखना है कंटिन्यू सीरीज में क्या आएगा। तो देखो हम सबसे पहले देखें तो क्या देखते हैं, देखो बी से पहले ए, ठीक है, और बी के बाद बी और ए से पहले बी। तो देखो हम बी से अगर सीरीज स्टार्ट करें, बी डबल ए बी। अब देखो यहाँ से हम चार चार के अगर पेयर बनाना चाहें, बी डबल ए बी, ठीक है, बी डबल ए यानी बी ए और डबल ए, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी सीरीज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आया बी डबल ए बी, तो बी और बी, तो बी और बी, ठीक है, बी और बी, डबल ए, तो ए और ए, ये आ गया बी डबल ए बी, तो बी डबल ए बी, तो बी बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, और बी डबल ए बी, बी डबल बी डबल ए, ऑप्शन आया हमारा। देखो ऑप्शन में बी भरा, तो बी और बी, ए और ए, ए और ए, और बी, ठीक है। ऐसे ही देखें अगला क्वेश्चन, ए खालिस्तान बी, खालिस्तान बी, ए खालिस्तान, खालिस्तान बी, और खालिस्तान बी और ए, ऐसे ही इसमें देखें। तो देखो क्या करें, देखो इसमें क्या करें, तीन तीन के पेयर बनाना चाहें, देखो ए डबल बी, ए डबल बी, अब बी डबल बी ए, ए डबल बी, डबल बी ए, ए डबल बी, ठीक है, ए डबल बी, बी डबल ए, बी डबल बी ए। तो देखो ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, तो कौन सा, बी बी ए बी, बी बी ए बी और बी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ऐसे ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है हमारा ए, क्वेश्चन ए खालिस्तान बी, खालिस्तान ए, खालिस्तान, खालिस्तान एन, खालिस्तान डबल बी, खालिस्तान ए बी बी एन। अब देखो इसको सीरीज में देखें, देखो ज़्यादातर चार चार तीन तीन के जोड़े ज़्यादा बनाते हैं, तो देखो चार चार के जोड़े अगर हम बनाते चलें तो चार चार के जोड़े ऐसे ही तो बनेंगे कम से कम, और ऐसे नहीं बने तो पाँच पाँच और छः छः के भी बना दे, पहले तीन और चार के। तो देखो चार चार के बनाएं पेयर, तो देखो तीन तीन के बनाएंगे तो बाद में चार चार के बनाए, तो देखो यहाँ से चले ए, अब देखो इधर से चले बी से पहले क्या है, बी से पहले बी, ठीक है, और ए के बाद बी, बी से पहले बी और ए के बाद बी, और बी के बाद एन। तो देखो क्या करें, ए ए डबल बी एन, 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 तो हमारी सीरीज बन गई ए डबल बी एन और ए डबल बी एन और ए डबल बी एन। तो देखो क्या क्या बना, बी एन बी बी, तो देखो वी एन वी एन बी बी, देखो वी एन बी बी, बी एन बी बी, देखो दो ऑप्शन में चल रहा है। अब देखो आगे वी एन वी बी ए एन, वी एन वी बी ए एन, बी एन बी बी ए एन, तो ए एन कौन से में है, ए डबल वी एन, ए डबल वी एन, ए डबल वी एन, ए डबल वी एन, तो वी एन वी बी ए एन, बी एन बी बी ए एन, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन,
डबल एल एम एन, डबल एल एम एन क्वेश्चन खालिस्तान, ओ डबल पी क्यू खालिस्तान, आर एस डबल टी खालिस्तान, डबल वी डब्लू खालिस्तान, एक्स बाई ऐसे ही देखते हैं। डबल एल एम, देखो एन और एम से ऑप्शन है तो सबसे पहले हम बी और सी में एन से स्टार्ट करते हैं। देखो एन से स्टार्ट करें चाहे एम से, देखो डबल एन और डबल एल एम एन, तो देखो एन रखें हमने, सही है। तो क्या हो गया डबल एन एम डबल एन। अब देखो एक अक्षर आया ओ, डबल पी क्यू आया। अब देखो ए आया ऐसे देख लें, आर से पहले नहीं बात बनी ऐसे, देखो एल एम एल एल डबल एल एम रखा डबल एन, ओ रखा डबल पी क्यू, सही है। फिर रखें डबल, इससे पहले क्या रखें देखो, डबल अक्षर एक अक्षर, 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 डबल अक्षर एक अक्षर। तो देखो बात आई समझ में, तो डबल अक्षर एक अक्षर, डबल अक्षर एक अक्षर, डबल अक्षर एक अक्षर, सही है। तो डबल अक्षर, तो डबल करने यहाँ एन लिख लिया, तो यहाँ क्या लिखें डबल, सही है। डबल अक्षर एक अक्षर, डबल अक्षर एक अक्षर, तो एक अक्षर क्या आएगा यू। देखो एन क्यू क्यों नहीं लिख सकते, एन तो पहले लिख सकते हैं, अब क्यू क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सीरीज में है डबल एन एक अक्षर, यानी डबल अक्षर एक अक्षर, डबल अक्षर एक अक्षर, डबल अक्षर एक अक्षर, डबल अक्षर एक अक्षर, डबल अक्षर एक अक्षर। तो ऐसे ही एन एन लिख के डबल अक्षर एक अक्षर, सही है। एन लिखा डबल अक्षर एक अक्षर, डबल अक्षर एक अक्षर, डबल अक्षर एक अक्षर, डबल अक्षर एक अक्षर एक अक्षर, डबल अक्षर एक अक्षर, तो क्या लिखा जाएगा अब यू, और डबल अक्षर एक अक्षर, डबल अक्षर एक्स। तो हमारा आया एन एन आर यू एक्स, एन आर यू एक्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है हमारा ए जेड बी, ए जेड खालिस्तान, बाई ए खालिस्तान, बाई बी बाई खालिस्तान, ए जेड बी। अब देखो हमने तुम्हें पहले ही बताया, पहले चार चार के पेयर से देखते हैं ज़्यादातर, चार चार के से। तो देखो ए जेड, अब ऐसे भी देख लेते हैं, बी के बाद क्या है, बी के बाद बाई, जेड के बाद क्या है बी, और ए के बाद क्या है जेड, ए के बाद क्या है जेड, जेड से पहले आए ए। तो देखो ए जेड बी बाई, तो देखो ए जेड बी बाई, ए जेड बी बाई, ए जेड बी बाई, तो ए जेड बी बाई। तो हमारा क्या आया बाई बी, बाई बी, बाई बी इसमें नहीं है, तो बाई बी इसी में है, देख लेते हैं बाई बी, बाई वी जेड ए, बाई बी जेड ए, ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। बारह क्वेश्चन मार 41 क्वेश्चन, बारह खालिस्तान 41 खालिस्तान 34 बारह तीन खालिस्तान खालिस्तान दो तीन चार। अब देखो इसमें भी चार चार के पेयर बनाए हम, चार चार के, चार चार के आसानी से करने का सबसे आसान तरीका, क्वेश्चन हो तो उसको चार चार में, या जैसी सीरीज बने चार चार से नहीं बने तो तीन तीन से, तीन तीन से नहीं बने तो पांच या छह ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चार चार की से, तो देखो एक दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन, तो देखो दो के बाद तीन, चार से पहले तीन, तो दो के बाद तीन, चार से पहले तीन, देखो एक के बाद दो, तीन के बाद तीन से पहले दो, तो दो, तीन के बाद, तीन के बाद चार, तो चार, दो से पहले एक, तो क्या आया हमारा
बत्तीस इकतालीस, तो बत्तीस इकतालीस, बत्तीस इकतालीस ऑप्शन सी सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है हमारा 75 डॉट मतलब खालिस्तान, खालिस्तान पाँच, खालिस्तान एक दो, खालिस्तान पाँच, खालिस्तान दो। अब इस सीरीज है इसमें आगे क्या, इसमें कौन सा पद भरा जाएगा? देखो हमने सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका बताया, चार चार के पेयर से, चार चार के पेयर से करेंगे। तो देखो पाँच के बाद, पाँच के बाद नहीं पता, एक से पहले क्या आएगा? तो देखो सात के बाद पाँच, तो सात के बाद पाँच भर दें, सही है, और पाँच के बाद एक आ गया तो एक भर दें, सही है, एक के बाद दो आ गया तो दो भर दें, तो 75 बार है, 75 बार है, पाँच से पहले सात, पाँच के बाद एक, तो 75 बार है और 75 बार है। तो हमारा ऑप्शन देखो क्या भर दिया, एक दो पाँच सात, एक दो पाँच, तो एक दो पाँच, एक दो पाँच, एक दो पाँच सात, एक, एक दो पाँच, तो एक दो पाँच सात एक, ऑप्शन ये सही है, सही है। ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा नौ खालिस्तान, खालिस्तान नौ, नौ खाल जीरो, खालिस्तान नौ, खालिस्तान डबल जीरो, खालिस्तान। अब देखो इसमें भी कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो चार चार की बनाएं, चार चार के पेयर से, ठीक है। तो देखो अब देखो बीच में है, यहाँ कुछ संख्या है, यहाँ कुछ संख्या, बीच में दो जीरो दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसमें दो जीरो लगा लें, सही है। तो देखो अब इसमें अभी नौ और नौ, तो दो जीरो दिखाई दे रहे हैं, तो दो जीरो, नौ इधर दो जीरो हो गए। अब देखो दो जीरो बीच में है तो क्या क्या संख्या रह गई, नौ और नौ, तो हमारा आया ऑप्शन यानी डबल जीरो ट्रिपल जीरो और कितना नौ नौ, तो ये ऑप्शन कौन से में सही है, तो यानी ट्रिपल जीरो नौ नौ, तो ट्रिपल जीरो नौ नौ बी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।